हाय गाइस, पहली चीज तो यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट है नंबर बैंगलोर काइटो विद मेवेडिक्स ऑल टुगेदर. तो आज जैसे वी आर ऑनरिंग आशु भाई, ही इज बीइंग द कैप्टन ऑफ मेवेडिक्स. सॉरी, एंड यू नो यहाँ पे प्रतीक भाई को भी सम्मानित किया गया. अभी आतिफ भाई है जो कानपुर के उस्ताद है. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस. तो ये प्रतीक भाई के लिए है. थैंक यू. एक्चुअली आज है 26 फरवरी. आज लखनऊ में चल रहा है सीनियर सिटीजन का टूर्नामेंट. इकाना में भी चल रहा है, लखनऊ में शिव मंदिर में चल रहा है, फिर आपका बीकानेर में टूर्नामेंट चल रहा है ऑल इंडिया. फरुखाबाद में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन फिर भी चल रहा है. सो बैंगलोर भी पीछे नहीं है. हम ये कहना चाहते हैं कि आप 2 साल होने को आ रहा है ना. नाउ टेक्निकली वी हैव 2 फंक्शनल टीम्स. एक तो हमारा नम्मा बेंगलुरु काइट क्लब, एक आशु भाई का शुरुआत किया हुआ मेवेडिक्स काइट क्लब. थर्ड क्लब है, आज वो हिस्सा नहीं ले पाए, एवेंजर्स काइट क्लब. टेक्निकली 3 क्लब्स हैं. कोई भी परदेशी आना चाहता है तो 3 क्लब्स तो मिल जाएंगे, जुम्मा, शुक्रवार, शनिचर और संडे को, है ना. सो यू कैन कम एंड डेफिनेटली फ्लाई अगेंस्ट अस. ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये तो फॉर द टाइमिंग है. कोई परदेशी आएगा तो हमारा बढ़िया इंतजाम एक दूसरी जगह बेंगलोर में है. आशु भाई, दो शब्द. आई थिंक मैं थैंक यू कहूंगा प्रतीक भाई का, जिन्होंने प्रोत्साहित किया कि मैं एक और क्लब बनाऊं. और फिर यहाँ के जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं सब बहुत बढ़िया हैं, बढ़िया लड़ाते हैं. और मतलब कोई भी ऑल इंडिया का टूर्नामेंट ले लो, अगर वहाँ पे टीमें हैं तो हमारी टीम उनको अच्छा कंपटीशन दे सकती है. बहुत ही आला दर्जे का शौक है. तो आप लोग बैंगलोर आइए और लड़ाइए हमारे साथ, आपको भी मजा आएगा, हमें भी सीखने को मिलेगा. तो साहब आप भी बताइए कि कैसा लग पा रहा है आपको जो टूर्नामेंट हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, और जो लड़ाने वाले हैं काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी शौक है इनके अंदर. बाकी कोई टीम अगर आएगी तो अच्छा शौक होगा.